हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से वाई फाई स्टडी स्टूडियोज पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो अभी यहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए ताकि आप लोगों के लिए भी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा एक्सेस करना ईजी हो जाएगा। आजकल हर कोई घर पर बैठा हुआ है और हर कोई यहाँ पर डिजिटल मोड पर ही काम कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये नया डिजिटल मोड है या पुराना ही है, कुछ इसमें नई चीज़ें जुड़ी हैं या फिर पुरानी हैं या पहले से थी या इसको सिर्फ मॉडिफाई किया गया है, तो इसके बारे में इस बात करेंगे इस सेशन में। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले एक बार लाइव टेस्ट और डिफेंस एग्जाम वाला जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, सेशन में अगर पहली बार जुड़ते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूला करें, जिसका नाम है वाई फाई स्टडी स्टूडियोज, जहाँ पे हर दिन सुबह 7 बजे आपके साथ मुलाकात होती है करेंट अफेयर के लाइव सेशन में। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे वाईफाई पे आपके लिए एक और अनाउंसमेंट होने जा रहा है 3 मई को सुबह 11 बजे, तो यहाँ पे भी जुड़ना मत भूलेगा। अब देखो, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है क्या। देखो, हम लोगों ने नाम सुना हुआ है एक उमंग ऐप का, काफ़ी पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं, 2017 से ये नाम सुनते आ रहे हैं। तो अब क्या होने जा रहा है कि जो उमंग ऐप है वो SSC के साथ जुड़ के काम करने जा रहा है। दैट मीन्स कि SSC के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो अब आपको कहाँ पे मिलेंगे, उमंग ऐप पे देखने को मिलेंगे। अभी तक देखो क्या होता था, अलग अलग वेबसाइट पर हम लोग ढूंढा करते थे कि यार ये वाली वैकेंसी कहाँ पर आई है, किसी और वेबसाइट पे जाते थे, वहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन होती थी, तो ये सब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा मिसमैच होती थी। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उमंग ऐप के बारे में कि एग्जैक्टली ऐप है क्या। देखिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो कौन सी टर्म के ऊपर है, गवर्नेंस के ऊपर। अच्छा हाँ, पहले एक काम, सेशन का जो लिंक है ना फटाक से कॉपी करो और झटाक से इसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। तो ये जो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है जो न्यू एज गवर्नेंस के लिए, यानी कि जो गवर्नेंस होती है ना, हम लोग बोलते हैं ना गुड गवर्नेंस, तो गवर्नेंस को और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए यहाँ पर इस ऐप को लॉन्च किया गया था। ये ऐप कब लॉन्च हुआ है, तो 2017 में इसको भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। टोटल कितनी लैंग्वेजेस में है, तो टोटल ये आपको 13 लैंग्वेजेस में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, एक मनी ऐप लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा, कुछ याद आ रहा है। तो मनी ऐप में क्या था कि वो 2 लैंग्वेजेस में था, हिंदी और इंग्लिश, और ये ऑडियो मोड पे काम करता था, क्योंकि ये उन लोगों के लिए था जो लोग विजुअली, मतलब आप कह सकते हो जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो उमंग ऐप है ये टोटल कितनी लैंग्वेजेस में, 13 लैंग्वेजेस में। देखो, लैंग्वेजेस का जो चक्कर है ना ये बहुत ही बुरा होता है, हर बार हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिकल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस हैं, दूसरी तरफ देखो तो यहाँ पे साइंस एकेडमी अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में मिलता है, कोई भी ऐप आता है तो वो कितनी लैंग्वेजेस में होता है, तो बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन क्या करें, रट्टा मानना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना कि टोटल यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस में आपको ये ऐप मिलता है। अब दूसरा पॉइंट, अगर गवर्नमेंट ने इसको रिलीज़ किया है या फिर अगर इसकी शुरुआत करी है तो कोई ना कोई मिनिस्ट्री भी तो होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, ई गवर्नेंस को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। देखो, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इंडिया के अंदर गवर्नेंस है या फिर इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, हम लोग यही तो बोलते हैं हर बार ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर हम लोग गवर्नेंस को या फिर ई गवर्नेंस को अगर अडॉप्ट करते हैं तो इससे बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंसी आती, जो भी काम होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होगा तो हमारे पास प्रूफ होगा कि हाँ ये काम हुआ है। दूसरा, यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है, एक जवाबदेही तय होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने गलत काम किया है तो हमारे पास प्रूफ होता है, हम उसको वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस का जो मोड है ना ये काफ़ी अच्छा मोड होता है। और तीसरा प्रॉफिट क्या होता है, टाइमली काम यहाँ पर होता है। तो ये जो तीन आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं, ये तीनों प्रॉफिट आपको ई गवर्नेंस में मिलते हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि यही जो ई गवर्नेंस है ना, ये जो ई गवर्नेंस आपको मिल रही है, अब इसकी शुरुआत होने जा रही है SSC के नोटिफिकेशंस के लिए। अभी अब क्या होता था कि SSC का अगर नोटिफिकेशन चाहिए या तो न्यूज़पेपर में छोटा सा कहीं निकल आता था या फिर अलग अलग वेबसाइट पे जाते थे, अच्छा यहाँ पे ये, अच्छा इसका क्राइटेरिया क्या होगा, अब इसमें कैसे हम लोग को फॉर्म फिल करना, ये सब प्रॉब्लम आती थी। तो अब क्या होगा, इसी ऐप पे आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं SSC के सारे एक जगह पर देखने को मिलेंगे। अभी तक क्या होता था कि जो उमंग ऐप था इसका यूज़ किया जाता था डिजिटल इंडिया के लिए या फिर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के लिए, मतलब जितनी भी स्कीम वगैरह आती थी उनको भी इसके थ्रू यहाँ पे अवेयर करने का काम किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, तो ये स्कीम्स है ना, आपको पता है ये स्कीम्स हैं, लेकिन इनके बारे में लोगों को जागरूक कैसे किया जाएगा, तो कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो ये जितनी भी स्कीम्स थी इन सबको कहाँ पे लॉन्च किया गया, उमंग ऐप पे लॉन्च किया गया, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुँच सके।
टोटल ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है कितने स्टेट में प्रोवाइड करता है, 23 स्टेट्स में। भैया लैंग्वेजेस याद रखना कि कितनी भाषाओं में ये काम करता है, तो दैट इज 13 लैंग्वेजेस। अब पॉइंट आता है ये काम कैसे करेगा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना है जैसे कि हमेशा करते हैं, प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप उमंग लिखोगे वहाँ पर आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा, इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेलेक्ट करोगे कि किसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जब आप वहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे तो जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी किससे जुड़ी हुई, एसएससी से, वो आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस आता है, जैसे कि देखो अभी पोस्टपोन हुआ है ना, लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हुआ, अब हमने तो आपको बता दिया कि जितने लोगों का एग्ज़ाम 20 मार्च से पहले हुआ था वो पोस्टपोन, मतलब वो कैंसिल नहीं होगा। 20 मार्च के बाद जितने लोगों के पेपर बचे हुए वो होंगे लेकिन बाद में होंगे, कैंसिल नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो नोटिस दी जाएगी वो भी अब आपको कहाँ पर मिलेगी, उमंग ऐप पे मिल जाएगी। रिजल्ट, रिजल्ट की बड़ी दिक्कत होती है, पता ही नहीं चलता यार कब आ रहा है रिजल्ट। पता चला हम लोग कहीं काम कर रहे हैं, किसी लाइक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, हमें कोई नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स वगैरह हैं अब वो भी आपको ईजिली इस पे मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन कैलेंडर जैसे ही रिलीज़ किया जाएगा, देखो अभी क्या होना था, सितंबर में एसएससी की नई वैकेंसीज आनी थी यही बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा पहले तो पुराने क्लास यहाँ पे जो एग्ज़ाम से पहले वो कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद ही तो आगे होगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है इसको लॉन्च किया जाएगा तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जितनी वैकेंसीज आएंगी उसकी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको उमंग ऐप पे मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एसएससी को जो टाई अप किया गया है उमंग ऐप के साथ, इससे यहाँ पे ई गवर्नेंस तो होगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोग जो है वो ज़्यादा अवेयर होंगे और यहाँ पे प्रॉपर टाइमली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हो कि पॉजिटिव चीज़ें हैं, और जहाँ पे भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इसको एक बार से ट्राई करना, एक बार अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड करिएगा और उसके बाद इसको ज़रा एक बार चला के देखना कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मैंशन करना, और सेशन को लाइक शेयर करना मत भूला करो। इसके अलावा ये है मेरा यूट्यूब क्लासेस का पूरा चार्ट। सुबह 5 बजे मुलाकात होती है, फिर 7 बजे लाइव क्लास में आपसे मिलते हैं, 7 से 8 बजे पूरे 1 घंटे का करेंट अफेयर। 8 बजे होता है बर्निंग इशू जो कि सिर्फ 10 मिनट का होता है, और लाइव टेस्ट वाले चैनल पे रेलवे का बैच चलता है शाम को 4 बजे। अन अकेडमी के क्लासेस के लिए अगर आप में से कोई भी एसएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, डीआरडीओ के लिए, रेलवे, स्टेट लेवल एग्जाम, या फिर यूपी SSSC के लिए प्रिपेयर करना चाहता है GS को, तो वो मेरे साथ इस बैच में जुड़ सकता है ऑन अन अकेडमी। या फिर अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और GA पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। अब सबसे पता है स्पेशल चीज़ क्या है, जब आप GS पढ़ने आओगे मेरे से या फिर GA पढ़ने आओगे तो ये तो हम पढ़ा ही रहे, लेकिन इसके साथ में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो आपको अन अकेडमी के जितने भी एजुकेटर्स हैं आप किसी से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन आपके लिए नहीं होगा। अब जो स्पेशल क्लास का टाइम है जो हर एक के लिए होता है, हर एक के लिए मतलब आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अन अकेडमी पे क्लासेस अवेल करते हो या नहीं करते हो, तो आप सभी लोग देख सकते हो, इसमें आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये होगा इसका शेड्यूल, जिसमें से पहला जो क्लास है वो कल होगा शाम को 9 से 10 के बीच में। तो क्लास को ज्वाइन